अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकिब इमदाद और आप देख रहे हैं बर्ड लाइफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं संडे बर्ड्स मार्केट लालू खेत में और आज डेट है 13 मार्च 2022। आज के आपको जाल रेट अपडेट करवा देते हैं और उसके बाद ओपन मार्केट के रेट भी। नईम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या जाल रेट हैं आज जो है? हम लोग बड़ी डफे ले रहे हैं 1300 से 1400 रुपये तक, ठीक है ना, और इसके अंदर पट्टे ले रहे हैं डफ के 1000 रुपये में। और हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर, आज हमारे पास है आर्डर लबड़ का, लबड़ ले रहे हैं हम 4200 रुपये में बड़े, और छोटे ले रहे हैं 3000 रुपये में। और इसी तरह लोडिनो ले रहे हैं बड़े हम लोग 4200 रुपये, और छोटे ले रहे हैं आज हम उसको 3000 रुपये में, ठीक है ना। और फिंच ले रहे हैं हम 1000 रुपये में, वाइट बड़ी फिंच है, और छोटी फिंच अभी ऑर्डर नहीं है क्योंकि दुबई बंद है आजकल ना। जैसे ही दुबई खुलेगा तो इंशाल्लाह रेट और बढ़ते चले जाएंगे। और बजरी ले रहे हैं हम 450 रुपये और 550 रुपये बड़ी, ठीक है ना। जिस भाई को भी देना हो तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इस हफ्ते के अंदर मैं मंगल या बुध तक हम लोगों का माल जाता है, तो मंगल बुध तक देगा तो मेरे रेट यही होंगे, उसके बाद जो है जो भी रेट होगा मैं बता दूंगा। मेरा नंबर है 0333-2197-029। और अगर कॉकटेल क्रीम देने हो तो 3800 रुपये का रेट है, छोटा बड़ा छोटे, और बड़े 4500 रुपये। आज थोड़ा सा रेट का अप डाउन है बस, बाकी बाज़ार से अच्छा है रेट बाज़ार। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इखलाक भाई आप सुनाएं। करम है अल्लाह पाक का। बजरी पट्टा ले रहे हैं 350 रुपये का, बड़ा 450 रुपये का। क्रीम कॉकटेल बड़ा 5000 रुपये का, पट्टा 3500 रुपये का। पल कॉकटेल पट्टा 3000 रुपये का और बड़ा 3500 रुपये का। फिशर 1800 रुपये का। कलर और लोटिनो बड़ा 4000 रुपये का, पट्टा दोनों का 2500 रुपये का। डायमंड 1100 रुपये की, फिंच 900 रुपये की, रेड चोंच। मेरा नाम है भाई अखलाक अहमद, 0300-8220-147 मेरा नंबर है। 150 या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में दाने हो तो वीडियो शेयर कराएं इसी नंबर पे और रेट ले लें, इंशाल्लाह फिर राइडर भेज दूंगा। लग भाई जाल रेट आज थोड़े और कम हो गए क्या? हाँ, बात सारी ये है कि बेटा एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई ना, एक्सपोर्ट खुलेगी तो रेट इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई वजह सिर्फ इतनी थी, और कोई वजह नहीं है। एक्सपोर्ट खुल जाएगी रेट अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दानों तक खुल जाएगी ये, उम्मीद पे दुनिया कायम है यार, मैं और आप उम्मीद पे जी रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।